ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, तो वीडियो को स्किप मत करना और वीडियो को एंड तक वॉच करना ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। तो गाइस अगर आप भी इसी तरह के न्यू इफेक्ट के साथ अपना स्टेटस वीडियो क्रिएट करना चाहते हो, वो भी अपने फोटो का, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो गाइस डिस्क्रिप्शन में आपको एक मटेरियल का लिंक मिल जाएगा जिसे आपको डाउनलोड करके अपने लाइट मोशन ऐप में इंपोर्ट कर लेना है। तो गाइस हमें अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसमें देख सकते हो कि बहुत सारा लेयर दिया गया है जिसमें आपको इफेक्ट प्रोवाइड करवाया गया है। तो सबसे पहले हमें अपने फोटो को ऐड कर लेना है। तो फोटो ऐड करने के लिए हमें अपने बीट मार्क पे आ जाना है। बीट मार्क पे आ जाने के बाद हमें प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर लेना है और हमें मीडिया पे जाना है। मीडिया पे जाने के बाद हमें अपने फोटो को चूज कर लेना है। चूज करने के बाद हमें थ्री डॉट पे क्लिक करके इसे फिल कंपोजिशन एरिया पे क्लिक कर देना है। हमें अगले बीट मार्क पे आ जाना है। अगले बीट मार्क पे हमें इसे ट्रिम कर देना है। तो गाइस इसके आगे हमें इसी तरीके से हर एक बीट मार्क पे अपने फोटो को ऐड कर लेना है। तो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा सारा फोटो ऐड हो चुका है। तो इसके बाद हमारी बारी आती है इसमें इफेक्ट डालने की। तो इफेक्ट डालने के लिए हमें इसके नीचे में आपको इफेक्ट दे दिया गया है, तो सिंपली हमें इफेक्ट वाले लेयर पे क्लिक कर देना है। वहाँ से हमें इफेक्ट पे जाना है और थ्री डॉट पे क्लिक करके हमें यहाँ से कॉपी इफेक्ट कर लेना है। तो गाइस जहाँ तक हमारा फर्स्ट लेयर दे दिया गया है वहाँ तक हमें ऊपर वाले अपने फोटो वाले लेयर में हमें इसे पेस्ट कर देना है। हमें अपने फोटो वाले लेयर पे आ जाना है। फोटो वाले लेयर पे जाने के बाद इफेक्ट में जाना है। थ्री डॉट पे क्लिक करके यहाँ से हमें इसमें पेस्ट इफेक्ट कर देना है। तो गाइस कुछ इसी तरीके से हमें फर्स्ट लेयर और जहाँ तक दे दिया गया है वहाँ तक हमें इस इफेक्ट को पेस्ट कर देना है। तो यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद बारी आती है सेकंड इफेक्ट की। तो सेकंड इफेक्ट को भी हमें उसी तरीके से कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद उसके ऊपर वाले लेयर में हमें इसी इफेक्ट को पेस्ट कर देना है। तो गाइज इसी प्रकार हमें बाकी इस लेयर्स वाले इफेक्ट को हमें कॉपी कर लेना है और उसके ऊपर वाले लेयर में हमें इसे पेस्ट कर देना है। तो गाइज इसी तरीके से हमें कंटिन्यू करना है। तो गाइस यहाँ तक हमें कंटिन्यू कर लेना है। तो कंटिन्यू करने के बाद हमें बारी आती है हमारी सातवीं इफेक्ट की। तो सातवीं इफेक्ट को हमें कॉपी कर लेना है और उसी प्रकार हमें उसके ऊपर वाले सारे लेयर्स में हमें इसी इफेक्ट को पेस्ट कर देना है। तो गाइस इसी प्रकार हमारा स्टेटस बनके तैयार हो जाता है। गाइस इसी तरह के वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।